आप असत्य कथन करना बंद कर दीजिए कोर्ट के सामने, वर्दी उतरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी बताइए। सर इसमें मोबाइल की सीजिंग के लिए ऑर्डर हुआ था कि मोबाइल सीज क्यों नहीं, मोबाइल सीज क्यों नहीं? यस लॉर्डशिप, वो सीज हुआ नहीं हुआ मोबाइल? नहीं सर, मोबाइल वाज नॉट सीज। क्यों? ये सर डिसीज के पास मोबाइल नहीं मिला था, उसके पास पैसे वगैरह मिले थे लेकिन मोबाइल नहीं मिला था। अच्छा, और ये जो एक्यूज है इनके पास? इनके पास भी नहीं था मोबाइल, नहीं है ऐसा लिखा आपने कि इनके पास किसी का कोई मोबाइल नहीं मिला? नहीं सर, इसमें स्टोरी जो है डिसीज जो है उज्जैन जिले में पवासा थाना, वो तो ठीक है, वो तो ट्रेन से कट के मर गया। जी सर, इशू ये है अभी इसकी सर हमने CDR ऑब्टेन की है, ये जो मोबाइल है कंसर्निंग इसका IMEI है, इसमें दो सिम एक्टिवेट हुई थी। आपको अंदर सीज करने के लिए भेजा किसी को मोबाइल? अभी नहीं भेज पाया सर, मैं जल्दी भेज दूँ। क्यों नहीं भेज पाए सर? नहीं भेज पाए। आप तो कटनी के बिल्कुल शहंशाह जैसे बिहेव करते हैं, कब जानकारी हुई आपको कि दो सिम चल रही है? अभी सर हुई है कुछ दिन। अभी कब? ये सर 29th के, 29th को आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूं सर? 29th को आपको जानकारी प्राप्त हुई है, उसके पहले आपको कोई जानकारी नहीं थी? जी सर। कहाँ है वो जानकारी का पंचनामा बताइए? CDR है सर। CDR है तो CDR किस तारीख की है? ये 9 जुलाई की है सर। कैसे कह दिया आपने 29 अगस्त को प्राप्त हुई आपको जानकारी? सर एक्चुअली क्या है, ये इसमें नहीं लगा रहता सर, आप पहले भी मेरे पास आ चुके हैं दुबे जी, एंड आपका कंडक्ट जो है मैं ऑब्जर्व कर चुका हूँ। Don't try to take court lightly. You will be in serious trouble. आप असत्य कथन करना बंद कर दीजिए कोर्ट के सामने, वर्दी उतरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। सही डेट बताइए, किस डेट को आपको जानकारी प्राप्त हुई थी? सर ये तो हमको कल ही हुई है सर, जो CDR IMEI जो रन हुई है सर, रन जरूर हुए हैं सर, ये 9 जुलाई और 27 जुलाई के बीच जब ये रन हुए तो मालूम पड़ गया आपको कि ये जो मोबाइल जो है ये चालू हालत में है? नहीं सर, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में ही रहते सर कि हमारे पास कोई अलर्ट मैसेज आ जाए, जब CDR आती है उसी के बाद। CDR किस तारीख को प्राप्त हुई आपको? हमको सर कल प्राप्त हुई है। कहाँ है दिखाइए पावती, CDR कल प्राप्त हुई? ये मेल पर आती है सर हमारे पास, दिखाइए। तो इसमें आपने बताया होगा ना मेल पे आपको प्राप्त हुआ? जी सर। कहाँ है वो मेल प्राप्ति का? वो मेल रिसीविंग, भाई मेल में प्राप्ति की डेट आती है, जो मेल भेजेगा थोड़ा बहुत मेल का इस्तेमाल हम लोग भी जानते हैं सर, जो CDR आती है उसको हम। आप या तो बात समझ नहीं रहे या आप अपनी आदत से चाह रहे, जो मेल आती है उसमें भेजने वाले का नाम, डेट और टाइम तीनों चीज रहती है, और पाने वाले का भी ईमेल आईडी एड्रेस रहता है। टाइम बताइए मुझे, किस टाइम को और किस डेट को प्राप्त हुआ? वो आपने लिखा है मेल से प्राप्त हुआ, आपने बोला मेल से प्राप्त हुआ, बताइए मेल किस तारीख को कहाँ से प्राप्त हुई? ये साइबर सेल से आती है। आप किस कहाँ प्राप्त हुई आपको मेल का बताइए, साइबर सेल से, साइबर सेल का डिस्पैच का डेट बताइए। ये सर तो मुझे देख के ही देना पड़ेगा, परसों फिर से आइए लिखिएगा। आईओ ऑफ द केस श्री, नाम बताइए। संजय दुबे। संजय दुबे सबमिट्स दैट ही हैड रिसीव्ड द CDR फ्रॉम साइबर सेल ऑन मेल ऑन 29/8/2022 व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट द टेलीफोन दैट द मोबाइल ऑफ द डिजीज्ड अंशुल चौरसिया इज फंक्शनल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्जैन, फुल स्टॉप, नेक्स्ट पैरा। व्हेन श्री दुबे इज आस्क्ड टू शो that as to when that CDR was put on mail by the state forensic science laboratory. नहीं सर इसमें forensic क्या क्या है ये? साइबर सेल। साइबर सेल from by the cyber cell and when was it received, because email contains both the endorsements of the date and time of dispatch and date and time of receipt. He submits that he will be required to look into the documents and then only he can furnish this data, full stop. He is directed to remain personally present on 8 September with the requisite information along with documentary proof.
नसीब